ऊपर भाई एक बार वो पेड़ दिखा दे एक बार भाई, जो वो पेड़ है जिस पेड़ के ऊपर इस गांव के लोगों को फांसी लटकाया गया था और अंग्रेजों ने ऐलान करा था कि इस पेड़ से कोई डेड बॉडी नहीं उतारेगा। वो डेड बॉडियां सड़ गई थी, गल गई थी। इतना बुरा हाल अंग्रेजों ने, इतना क्रूर काम इस गांव के साथ करा था। और इस गांव के जो नेता थे, जो लड़ाई में आगे थे, उन लोगों को तोप से बांध के उड़ा दिया गया था। इसी गांव के लोगों को आसी में एक लाल सड़क है, वहां ले जाके बिल्डोजर उसके ऊपर से फेरा गया था। जो लाल सड़क का नाम इसीलिए लाल पड़ा था कि वह खून से लाल हो गई थी। वहां हजारों लोगों को बिल्डोजर से रगड़ा गया था। वो सभी लोग थे जो आज़ादी मांग रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। आप सभी को पता है कि लगातार कई दिन हो चुके हैं, मीडिया सोशल मीडिया की बात करें तो, यानी कि रोहनाथ जो गांव है ये आज भी गुलाम है, ऐसा सुनने में और अचंभित आप भी हो जाते हैं यदि आप ऐसी खबर सुनते हैं। तो मनोज राठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और सुनने में आ केवल ये जो कुआं आप मेरे पीछे देख सकते हैं, केवल ये कुआं और ये जो होड़ है जो केवल गांव की जो पंचायत के अंडर में केवल यही आता है और कोई जो ज़मीन है रोहनाथ गाँव के नाम वो नहीं है। आज पंचायत है, जो पंचायत भी होने लग रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो राठी साहब राम राम। राम राम जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि गांव आज भी गुलामी में जी रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे शहीद साथी संतलाल जी को नमन करता हूँ और मैं बड़े जोश के साथ कहता हूँ संतलाल जी अमर रहे, संतलाल जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा संतलाल जी आपका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा संतलाल जी आपका नाम रहेगा। और मैं मूर्ख सरकारों को भी याद दिलाऊंगा कि आज हमारे साथी का पांचवा दिन है, पांचवें दिन से हम यहाँ डेड बॉडी को रखे बैठे हैं। बिल्कुल, डेड बॉडी ख़राब होने का खतरा शुरू हो गया है, क्योंकि एक दिन फ्रिज खराब हो गया था, कुछ हवा बॉडी के अंदर चली गई। ये बात हमने एक बड़े नेता को बताई भी थी कि आप थोड़े बहुत शर्म लिहाज कर लो और मान जाओ और समझ जाओ, क्योंकि देखो ये कोई जिद की बात नहीं है। यो गांव कोई मुआवजा नहीं मांगने लग रहा, यो गांव को निजी फायदा नहीं मांगने लग रहा, यो गांव तो आज़ादी मांगने लग रहा है, आज़ादी मांगने लग रहा है। सबसे बड़ी बात, आज हरियाणा के बहुत लोगों को नहीं पता कि रोहनाथ गांव जो हांसी के पास पड़ता है, भवानी खेड़ा हल्का में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में पड़ता है, ये एक गुलाम गाँव है। आज भी ये कागजा में गुलाम है। सालों पहले 1857 का जो गदर हुआ था, उस गदर में ये गांव सबसे आगे था, गदर मचाने में और अंग्रेजों से आज़ादी पाने में। लेकिन अंग्रेजों ने इस गांव को बुरी तरह कुचल दिया, उस आज़ादी को कुचल दिया और यहाँ जे हजारों हमारे साथियों को मौत के घाट उतार दिया। मैं कहना चाहूँ ये अपने लिए आज़ादी मांगे थे, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, ये पूरे देश के लिए आज़ादी मांगे थे 1857 में। एक बात बताऊँगा आपके सामने, ये कुआ है, ये कुआ उस टाइम पर लाशों से भर गया था भाई साहब, इतने लोग यहाँ कूद कूद के मरे थे। एक पेड़ है सामने, आज भी ये पेड़ ऊपर भाई एक बार वो पेड़ दिखा दे एक बार भाई, जो वो पेड़ है जिस पेड़ के ऊपर इस गांव के लोगों को फांसी लटकाया गया था और अंग्रेजों ने ऐलान करा था कि इस पेड़ से कोई डेड बॉडी नहीं उतारेगा। वो डेड बॉडियां सड़ गई थी, गल गई थी। इतना बुरा हाल अंग्रेजों ने, इतना क्रूर काम इस गाँव के साथ करा था। और इस गाँव के जो नेता थे, जो लड़ाई में आगे थे, उन लोगों को तोप से बांध के उड़ा दिया गया था। इसी गांव के लोगों को आसी में एक लाल सड़क है, वहां ले जाके बिल्डोजर उसके ऊपर से फेरा गया था। जो लाल सड़क का नाम इसीलिए लाल पड़ा था कि वह खून से लाल हो गई थी। वहां हजारों लोगों को बिल्डोजर से रगड़ा गया था। वो सभी लोग थे जो आज़ादी मांग रहे थे इस देश और प्रदेश की अंग्रेजों से। लेकिन अंग्रेजों की क्रूरता यहाँ तक नहीं रुकी। इस रोहनाथ गांव को 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने 8100 रुपए में नीलाम करने का काम किया था। 8100 रुपए में, मात्र 8100 रुपए में पूरे गांव को बेच दिया था, जिसमें करीब 21,000 बीघे जमीन थी और पूरा गांव था, थोड़ी सी जगह छोड़ी थी। बहुत लोगों ने वो जगह ली नहीं, छोड़ गए थे गांव वासियों के लिए, इसलिए गांव बसा हुआ आज भी। इन लोगों की मांग सरकार से हमेशा एक ही रही है कि भाई इस गांव को जो जमीन इस गांव के आज भी इनके पास है, इनके नाम तो कर दी जाए, एक बात। दूसरी, इन सरकारों से इन मांग करी कि हमें आज़ादी घोषित करो। खट्टर साहब 2018 में यहाँ आया, बड़ा गर्व से झंडा फहराया, बड़ी बड़ी बातें करी कि हमने आपको आज़ाद कर दिया, लेकिन कागजों में आज भी गुलाम है।
चार साल इंतजार करने के बाद ये गांव वाले इस धरना लगा के बैठे हैं। इस शर्म नियाती सरकार को, शर्म नियाती मंत्रियों को कि झूठियां क्यों बरते हो, क्या अड़चन है पूरे प्रदेश को बताओ भाई। अड़चन क्या है पूरे प्रदेश को बताना चाहिए सीएम साहब ने, ये अड़चन है या तो अंग्रेजों ने लिख रखी है कि ये गांव आजाद नहीं होना चाहिए, या फिर इनकी सोच जो है वो अंग्रेजों जैसी है, या फिर मैं एक बात जमा खुल के कहना चाहूँगा, आज भी हमारे देश की सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अंग्रेजों के गुलाम हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के आदेश आज भी फॉलो करते हैं। इसीलिए चार साल पहले झंडा फहराने के बाद भी इस गांव को न तो इस गांव का हक मिला और न इस गांव को आज़ाद घोषित किया, ये एक बात देखने की बात है। मैं तो बार बार आवाज़ उठाता रहा हूँ कि भगत सिंह को आपने आज़ादी का दर्जा क्यों नहीं दिया, सवाल का कोई जवाब देता ही नहीं। जब भी बात करते हैं कौन कोई अड़ंगा लगा के और बीमारी खड़ी कर देते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार से, भाई चार साल पहले आपने वायदा करा, झंडा लगाया, तो क्या चार साल में इस गांव को आज़ाद होने में इतना समय लग गया? क्या खट्टर साहब आपके पास अधिकारी नहीं है, या आपको ज्ञान नहीं है, या सारा अनपढ़ टोड़ा आपने बिठा रखा है, या कोई बहुत बड़ी अड़चन है? खट्टर साहब ने इसकी हाथों भरनी पड़ेगी। हमें जिस बात का पता चला है उसमें तो ये अंदेशा निकल के आया है कि आज भी इस प्रदेश और देश की सरकार अंग्रेजों के नीचे काम करने लग रही है। आज भी अंग्रेजी हुकूमत इनको जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, उनके फैसले इनको पलटन की हिम्मत नहीं रखते ये लोग। हिम्मत जब अंग्रेजों के फैसले पलटन की नहीं रखते तो हम आज भी गुलामी की जिंदगी जीने लग रहे हैं। मैं अपने आप को आज भी गुलाम मानता हूं कि ये सरकार जो है फैसला लेने में सक्षम नहीं है भाई साहब। और आज मैं मुख्यमंत्री जी को, खास तौर पर एक डिप्टी सीएम को एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारा डिप्टी सीएम कहता है कि मैं चौधरी देवीलाल का वंशज हूं। मैं पूछना चाहूं क्या चौधरी देवीलाल ने कोई ऐसे धरने लगवाए थे जहां शहीद होने के बाद पाँच पाँच दिन तक डेड बॉडी रखी गई थी? मैं पूछना चाहूं दुष्यंत चौटाला से, कभी देवीलाल ने एक काम ऐसा कराया था भी पाँच दिन लगे किसी धरना बनेगा? हमने सुना था कि कोई धरना लगाया करता तो स्वयं पहुंच जाया करते। अरे भाई तू देवीलाल है तो क्यों नहीं आता यहां? क्यों नहीं लोगों की सुनता? एक बात जमा साफ है कि हिंदू समाज और हिंदी रीति रिवाज के अनुसार हम एक दिन से फालतू अगर डेड बॉडी को रख लें अपने घर तो हमारा समाज हमें इजाज़त नहीं देता। हमें बड़ा दुख है, छाती में पत्थर रख के हमारे भाई का शव यहाँ रखे बैठे हैं। इसका अगर कोई दोषी है तो इस प्रदेश का सबसे बड़ा अपने आप को हिंदू सम्राट कहने वाला खट्टर साहब है, उससे बड़ा कोई दोषी है तो दुष्यंत चौटाला है, और उनसे बड़े अगर कोई दोषी है तो उनको सरकार चलाने वाले वो विधायक हैं, सरकार चलाने वाले वो मंत्री हैं जो अपने आप को हिंदू मुस्लिम धर्म में बांट के अपना कांडा काटने का काम करते हैं। आज अगर हमारे समाज का, हमारे धर्म का अगर अपमान है तो इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है। इसलिए तुरंत सरकार को किसी न किसी अपने प्रतिनिधि को भेजकर इन लोगों की मांगों को मान लेना चाहिए। बिल्कुल, और एक यहाँ पर एक महापंचायत ब्याज रखी गई है, तो क्या लगता है कोई आस है किस मामले को सुलझा लिया जाएगा भाई साहब? कैसे आस मानेंगे जी? अरे भाई के दो ढाई बज गए होंगे, तीन बज गए, अब तक तो मुसी का बच्चा भी नहीं आया यहाँ। अरे तो इमरजेंसी ने तत्कालीन रखी है, आज सलाह मशवरा होने लगा, कमेटी अंदर बैठी है, फैसला बड़ा हो गया ना खट्टर साहब का समझ में नहीं आओगी। मैं तो सुझाव देऊ हूँ कि मेरे भाई पार्थिव शरीर लेके हम चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे। यहाँ से ट्रैक्टर ट्रालियों का काफिला, पैदलों का काफिला, जिस समय भारत देश आजाद हुआ था महात्मा गांधी के इशारे पे लोग पैदल चल पड़ा करते दिल्ली की तरफ कूच कराया करते, उसी प्रकार आज हम इन लोगों को तख्तों से हटाना पड़ेगा, कुर्सियों से खींचना पड़ेगा, और उसके लिए एक बहुत बड़ा काफिला इस रुणात गांव से निकलने का काम करेगा। अगर सरकार नहीं माननी तो मैं साफ कहना चाहूंगा कि हमने सुझाव रखा है, और अगर कमेटी ने हमारा सुझाव माना तो एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि जहां से भी हमारे भाई का पार्थिव शरीर गुजरेगा लाखों आदमी हमारे भाई के साथ खड़े हो जाएंगे, आपका के गांव के साथ लाखों आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, और जब ये काफिला चंडीगढ़ पहुंचेगा तो संख्या करोड़ों में होगी, संख्या करोड़ों में। और उस दिन मैं कहूंगा कि ये लोग मांग नहीं मानेंगे, उस दिन आपकी कुर्सी खींचने का काम ये लोग करेंगे, चाहे इसके लिए आप जलियांवाला बाग जैसी घटना भी क्यों ना करवा दियो, चाहे 1857 की रोहनात में अंग्रेजों ने जो अपमान करा, अंग्रेजों ने जिस प्रकार यहाँ कत्लेआम करा, चाहे वो काम भी क्यों ना सरकार कर दियो, जनता पीछे हटने का काम नहीं करेगी भाई। मनोज भाई, अंत में जो रोहनात गांव की जो मांगे हैं सरकार से वो क्या है एक बार वो बता दें भाई। जमीन नीलाम हुई थी, नू कहा और जमीन दे दो हमने, अरे सरकारी बीड़ पड़ा है यो दे दो,
इसने ये बांड की सरकार के मंत्री खावेंगे, जब गरीब आदमी दे दे के दिक्कत है। और बात सुन लो, ऐसे है इनके नाम प्लाट भी अलाट कर रखे हैं। अरे कब्जा तो कौन दिया इन सारा सेक्टर में, एक एक कोठी दे दो, मारक के दिक्कत है, लेकिन इनकी भरपाई करो किसी भी एंगल से करो। जब ये हजारों एकड़ जमीन इक्वायर करके अडानी अंबानी को दे सकते हैं, यानी गांव वाला पेट भरने खातर को नहीं दे सकें, ये इस गांव का मान सम्मान बहाल नहीं कर सकते ये लोग। मैं तो कहूं कि इस गांव के प्रत्येक लोगों का मान सम्मान बहाल करने का काम करें, और इनकी जो जमीन जायदादें हैं जो उस समय अंग्रेजों द्वारा लूटी गई थी, इनको लौटाने का काम या सरकार करे। और इनको बात सुन लो, सम्मान के साथ, ऐसे नहीं सम्मान के साथ देनी पड़ेगी, ये वायदा हम आपसे करेंगे, क्योंकि अब हरियाणा को जगाने का काम हमने कर दिया। अगर ये लोग नहीं माने तो आज एक बात लिख के ले लो मेरे से, ये इस गांव की बद्दुआ, उस समय जो इनके पूर्वज शहीद हुए थे उनकी बद्दुआ इस सरकार को चलने नहीं देगी, ये सरकार भी गिरेगी। और इनके आशीर्वाद से कोई अच्छा आदमी कुर्सी में बैठ के इनके हकों का फैसला करेगा, इनका मान सम्मान बहाल करने का काम करेगा। भाई साहब धन्यवाद। भाई साहब तो देख सकते हैं तमाम तस्वीरें, भिवानी जिले का जो गाँव रोहनाथ है यानी कि अभी भी गुलाम है। एक बड़ी बात है कि आज़ाद देश के अंदर है, आज़ाद देश के अंदर आज भी ये गाँव है जो गुलाम है, अंग्रेजों का गुलाम। ये देख सकते हैं ये केवल इस गांव के बंटवारे के टाइम, यानी कि केवल केवल ये कुआं और फिर जो ये जो होड़ पानी का तालाब है, केवल यही इस गांव के नाम है, बाकी इस गांव के नाम कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ी खबर देख सकते हैं आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, लगातार जो धरना रोहनाथ गाँव के अंदर चल रहा है, सभी किसान नेता या फिर जो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे इस गाँव को न्याय दिलाने के लिए। और 4 साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तिरंगा झंडा भी इस गांव में लहराया था और कहा था कि आज से ये गांव आज़ाद है, लेकिन इस गांव को कोई ज़मीन अभी तक नहीं मिली है। इसी प्रकार यानी कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस गांव की गुलामी को लेकर के, यानी कि लगभग केवल 8,000 रुपये में इस गाँव को नीलाम उस वक्त कर दिया गया था। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ग्राउंड मीडिया चैनल के ऊपर आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंतजार के साथ रोहनाथ से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।